एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू इनोवेशंस इन कुकिंग। एंड लास्ट टाइम याद है आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने स्पिनच के बीज लगाए थे, यानी कि पालक के बीज लगाए थे। तो आज मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, स्पिनच यानी कि पालक मैंने लगाई थी 23 जनवरी 2020। तो आज उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट कितना प्यारा आया है। ऐसी मैंने दूसरे पॉट में भी इसी तरीके से पालक लगाई थी। ये देखिए, जस्ट स्पिनच को कुछ नहीं चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए और धूप चाहिए, रोज सनलाइट इसको अच्छे से मिलनी चाहिए। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा स्पिनच का, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये देखिए, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ और उसके बाद भी आपका रिजल्ट इतना प्यारा है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने दो न्यू प्लांट्स है, जो कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं। ये देखिए, और ये देखिए, इसमें कितनी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई भी है अभी। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी बड़ी हो गई है। वाओ! और इधर है हमारा, मैंने आपको बताया था, बेसिल यानी कि तुलसी जी, ये भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और ये है मिंट, मिंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इतनी जगह मैंने इस मिंट को कैसे लगाया, सिर्फ इसी वाले पॉट से मैंने हर जगह इस मिंट को लगाया। इस मिंट में जितना भी ये बढ़ता है, इसकी मैं डंडी प्लग करती हूँ, तोड़ती हूँ और दूसरे पॉट में लगा देती हूँ लाइक दिस। और देखिए, अच्छी तरीके से ग्रो खुद ही होने लगती है। तो मिंट लगाना बहुत ही ईजी है, आप लोग भी अपने घर में मिंट ईजिली लगा सकते हैं। और ये धनिया, अब तो उसको तोड़ने का भी टाइम आ गया। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है। नॉर्मली घर में जो आपके धनिया के बीज होते हैं, आप उसे मिट्टी में डालिए और इजीली आपके ये धनिया कितने अच्छे तरीके से निकल आएंगे। और ये, इसको तो मैं 5 बार ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, ये फिर से ग्रो कर रहा है, सैलेड अनियन जिसको कहते हैं। तो आई होप ये आपको मेरी मिनी बालकनी गार्डन अच्छी लगी होगी। और ये ऊपर मनी प्लांट, जिसको मैंने इस तरीके से धागे में लटकाया है, और ये ग्रो करके पूरा इस तरीके से धागे में वहाँ तक अच्छे से हो जाएगी। तो हम वेट, सो हियर इज द रिजल्ट। ये देखिए, अजीब फ्रेश ये धनिया को मैंने ये सब्जी में यूज़ किया और इसकी इतनी प्यारी महक है, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो मार्केट से हम लोग धनिया लेकर आते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा इस घर में लगाए हुए धनिया की महक है। आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में कोरिएंडर या मिंट और पालक, जो इजी सब्जियां हैं जैसे सैलेड अनियन, वो लगा सकते हैं। और इनफैक्ट आप छोटे पॉट में भी लगा के गिफ्ट अपने मम्मा को दे सकते हैं या अपने घर में अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको